थोड़ा सा आपके कैरेक्टर के बारे में इसमें जानना चाहेंगे कि कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा आपके कैरेक्टर के बारे में। मेरे किरदार का नाम केशव है और जैसे कि ट्रेलर में आपने देखा ये दोनों ही जो हैं थोड़े वियर्ड और थोड़े एजी से लोग हैं, केशव और बॉबी, और कुछ होता है, एक घटना होती है जहाँ पे किसी का मर्डर होता है और कैसे दोनों सस्पेक्ट हैं और ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं कि इसने किया है कि नहीं इसने किया है। तो आई थिंक एक हु डन इट एक जॉनरा है थ्रिलर में, तो जिसमें ये फिल्म आती है और यही एक्साइटमेंट है कि ऑडियंस में भी जानने की कि एक्चुअली कौन है दोनों में से जो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है फिल्म में, आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बेस ऑफ द स्टोरी। उसके अलावा फिल्म में और भी कैरेक्टर्स हैं, अमायरा है, अमृता है, सतीश सर हैं, विजेंद्र काला हैं, सो आई थिंक इट विल बी अ फन राइड टू एंजॉय। बहुत अच्छा रहा, आई थिंक प्रकाश जो हमारे डायरेक्टर हैं उनकी पहली ये हिंदी फिल्म है और बहुत ही सुलझे हुए हैं, बहुत ही स्वीट हैं, उनको एग्जैक्टली पता था उनको क्या चाहिए और हमारे बहुत डिस्कशन हुए कैरेक्टर्स को लेके, उनके डिज़ाइनिंग को लेके, लुक को लेके, सीन पे कैसे अप्रोच करना है। तो फिल्म मेकिंग इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, जब आपके डायरेक्टर इतने सॉर्टेड हों तो आई थिंक बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। और कनिका की बेहतरीन राइटिंग है, एक कमाल की प्रोड्यूसर है, मेरी करियर की शुरुआत उनके साथ हुई, शुरू की दो फिल्म्स, और कंगना तो है ही, आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट वी हैव। और तो पूरी टीम आई थिंक सब जो मिलके सब जो लोग हैं इसमें वो अपनी अपनी फील्ड में बहुत ही माहिर हैं।